Hi guys, this is me Surbhi. Welcome back to my channel. So guys, as we all know, winter has come and dry feet or crack heels winter में बहुत ही common problem होती है, जिसके बहुत सारे reasons होते हैं, जैसे कि winter में हम water intake कम कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो body होती है वो dehydrate हो जाती है। बहुत सारे लोग अपनी पूरी body को तो moisturize करते हैं, लेकिन अपने पैरों को moisturize नहीं करते हैं, उनको वो avoid कर देते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि हमारे heels में oil glands नहीं होते हैं, इसीलिए उनको हमें externally moisturize करना होता है। और अगर आपने ओपन फुटवेयर बहुत समय से पहने हुए हैं तो उसकी वजह से भी एड़ियाँ फट जाती हैं। तो गाइस, इसीलिए मैं आपके साथ आज एक विंटर केयर रिजीम शेयर करूंगी, जो बहुत सारे डर्मेटोलॉजिस्ट भी रेकमेंड करते हैं, और ये बहुत बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है और बहुत सिंपल होती है। तो गाइस, क्रीम बनाने के लिए मैंने अराउंड 4 टेबल स्पून ग्लिसरीन लिया है। अगर आपके पास ग्लिसरीन नहीं है तो आप एलोवेरा जेल ले सकते हैं या फिर वैसलीन भी ले सकते हैं। और हम सब जानते हैं कि ग्लिसरीन ड्राई स्किन के लिए कितना ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि स्किन में मॉइस्चर को लॉक करता है, जिसकी वजह से हमारी जो स्किन होती है वो ड्राई नहीं होती है, और ये हमारे स्किन के पीएच लेवल को भी मेंटेन करता है। सो अब मैं रोज़ वाटर लूँगी, ये भी हम 4 टेबल स्पून ही लेंगे जितना हमने ग्लिसरीन लिया था। रोज़ वाटर आपके स्किन को एक इंस्टेंट फ्रेशनेस देगा और आपके पैरों की जितनी भी बैड स्मेल होगी वो भी ख़त्म हो जाएगी। अब लास्ट में हम एक पूरे लेमन का लेमन जूस डालेंगे। लेमन बहुत ही ज़्यादा एसिडिक होता है, इसीलिए ये स्किन को एक्सफोलिएट करता है और पैरों को ब्राइटन अप भी करता है। अगर आपके पैरों में कोई भी फंगल इन्फेक्शन है तो लेमन में एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। अब हम सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको स्टोर करके रख लेंगे। गाइस, ये रेमेडी बहुत बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। ये रेमेडी कोई भी एज ग्रुप के लोग यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो अपने पेरेंट्स को, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को भी रेकमेंड कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। ये आपके ड्राइनेस को, आपके जितने भी पैर में क्रैक्स होंगे उनको भी ये पूरा क्योर कर देगा। आपको हमेशा ये क्रीम अपने साफ़ पैरों पर लगानी है। उसके लिए आपको एक बोल में थोड़ा सा गर्म पानी चाहिए, उसमें आप थोड़ा सा शैम्पू डाल दीजिए और उसके बाद थोड़ा सा बेकिंग सोडा, और अराउंड 20 मिनट्स के लिए आपको अपने पैर इसमें सोक करके रखने हैं। इस प्रोसेस में आपके जो पैरों की स्किन होगी वो लूज हो जाएगी, और जब आप स्क्रब करेंगे तो आपके पैरों की जो डेड स्किन होगी वो बहुत जल्दी रिमूव हो जाएगी। स्क्रबिंग के लिए आप कोई भी पिमिक स्टोन या फिर लोफा या फिर कोई भी स्क्रबर यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद आपको अपने पैरों पे क्रीम लगानी है और हल्के हाथों से अराउंड 10 मिनट्स के लिए पैरों पे मसाज करनी है, और 10 मिनट मसाज करने के बाद आप सॉक्स पहन के सो जाइए। आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि आपको बेयरफुट नहीं रहना है, आपको सॉक्स ज़रूर पहनने हैं, क्योंकि इससे जो मॉइस्चर होगा वो लॉक रहेगा और सेल्स इजीली और क्विकली मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर पाएंगे। तो आई होप गाइस आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। इफ यू डिड देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी। Till then, take care and bye-bye.